अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 75 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे स्कॉटो क्या फंक्शन है, अलाइन मूव कंपोनेंट्स, रिवर्स एंड फ्लिप कंपोनेंट्स और स्ट्रेच एंड स्प्लिट पीएलसी मॉड्यूल। आज हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इनके क्या फंक्शन और आप इस पर कैसे काम कर सकते हो। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो मैंने प्रीवियस लेसन में आपको ये चीज समझाई थी कि इसका क्या फंक्शन होता है और मैंने यहाँ पे आपको ये बना के मैंने बताया था कि इनका क्या फंक्शन है, इस पर आप कैसे काम कर सकते हो। तो आज के लेसन में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है और इस पर कैसे काम कर सकते हैं। अपने लेसन की तरफ चलते हैं और आज के लेसन की हम देखते हैं आज के लेसन में हमने क्या क्या करना है। तो आज के लेसन में हमने सबसे पहले यहाँ पे स्कॉट का काम करना है। स्कॉट और मूव का फंक्शन एक जैसा ही है, फर्क नहीं है इसमें। इस पर आप क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आप इसको मूव कर सकते हैं, जहाँ कहीं आपने मूव करना है वहाँ पे मूव कर सकते हैं। देखिए मूव हो गया ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं कुछ नंबर देता हूँ, वायर बनाता हूँ, वायर मल्टीपल बस या मल्टीपल वायर करता हूँ। ओके मेरे पास देखिए, मैं फॉर एग्जांपल एल इंटर करता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ इसके लिए स्ट्रेट लाइन के लिए फिर। ओके मल्टीपल वायर, फोर ओके। अब इस पे मैं देखता हूं कि अब इन्हें इसको मैं यहां से मूव करूंगा, स्कॉट करूंगा, तो उसके लिए मैं देखता हूं कि इसका फंक्शन क्या है। और यहाँ पे कह रहे सिलेक्ट मल्टीपल वायर, सॉरी Yes। अब ये यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या आप देखें। तो अब वायर के ऊपर जब मैं इस पे काम करूंगा तो वायर टू वायर ही मूव होगा, ये ऊपर नीचे और कहीं पे मूव नहीं हो सकता। मैं F8 प्रेस करके आपको बताता हूँ, F8 भी प्रेस करो फिर भी ये वायर टू वायर मूव होगा, उसके अलावा मूव नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे अगर आप ये ऑब्जेक्ट इस पे काम करेंगे तो यहां से ये वायर टू वायर मूव नहीं होता, यहां से ये क्या करता है हर एक साइड पे मूव होता है। अब जैसे कि मैं इसको अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको अब यहाँ से मूव कंपोनेंट पे काम करता हूँ, क्लिक करता हूँ इसको, तो मूव से क्या होगा कि F8 प्रेस करें आप, तो ये आप यहाँ पे भी इसको मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मूव कर लिया। लेकिन जब मैं इसको इस पे काम करूंगा, यहां से स्कॉट पे काम करूंगा, अब स्कॉट से यहां से तो ये मूव हो रहा है हर जगह क्योंकि ये वायर नहीं है, ये मैंने लाइन इंसर्ट की थी। लेकिन यहां से आप इस पे काम करेंगे तो यहां पे ये क्या करेगा, ये सिर्फ यहां से आगे ही मूव होगा। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं, देखें
वायर टू वायर मूव हो रहा है, जबकि लाइन के ऊपर जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर आप काम करेंगे, उस पर काम नहीं करेगा, और वायर के ऊपर ही सही काम करेगा। ओके, कंट्रोल जेड प्रेस किया मैंने, उसमें था अलाइन। अलाइन का फंक्शन ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहें तो आप अलाइन कर सकते हैं उसको। अलाइन करने के लिए देखें, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैं अलाइन करता हूँ, देखें बिल्कुल एक यहाँ पे ये आ गया, ये अलाइन हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आप, और सिलेक्ट करके आप उसको मूव कर सकते हैं, बिल्कुल अलाइन आप मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं यहाँ से इसको देखें, इसको मैं स्क्वाट करता हूँ, ऑब्जेक्ट ये है, और यहीं पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में अलाइन हो जाए। तो अलाइन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, अलाइन पे क्लिक करें, और इस ऑब्जेक्ट को मैं अलाइन पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, तो देखें ये बिल्कुल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये अलाइन का फंक्शन है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अगर आमने सामने करना चाह रहे हैं, अलाइन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये जी अलाइन का फंक्शन। उसके बाद मूव कंपोनेंट है, मूव का फंक्शन वो आपको पता है, क्लिक करें आप जहां कहीं मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, और अलाइन करना चाहे तो अलाइन के लिए आप यहां पे क्लिक करें, और यहां से आपने क्या करें, अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट पे मैं इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, और राइट क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल ये अलाइन हो गया इसके। ओके, मूव ऑब्जेक्ट, अलाइन ऑब्जेक्ट का सब आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद रिवर्स और फ्लिप। अब रिवर्स फ्लिप का फंक्शन क्या है कि मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि रिवर्स हो जाए। रिवर्स क्या है कि ये ऑफ ऑन ऑफ बटन पुश बटन ये नीचे की तरफ रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें, और आप यहाँ से रिवर्स फ्लिप कंपोनेंट्स को क्लिक करें, और मैं चाहता हूँ ये फ्लिप हो जाए। फ्लिप होने के बाद ओके करें आप इसको, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके देखें तो फ्लिप हो गया, दोबारा क्लिक करें तो फ्लिप हो जाएगा, क्लिक करेंगे फ्लिप हो जाएगा, तो रिवर्स भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, रिवर्स फ्लिप सेम ही होते हैं, रिवर्स ये यहाँ से इस साइड पे वापस हो जाएगा और यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद है आपके पास स्ट्रेच पीएलसी मॉड्यूल है। पीएलसी को आप स्ट्रेच करना चाहे तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो पीएलसी के लिए आप पीएलसी इंसर्ट करें पहले, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पहले पीएलसी। प्रीवियस लेसन में आपको बताया था फंक्शन क्या होते हैं। ये कुछ बने हुए पीएलसी, तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करता हूँ। ओके, मैंने इंसर्ट कर लिया। ओके, अब ये इंसर्ट हो गया जी, पीएलसी बना बना एक पीएलसी इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि आप इसको स्ट्रेच करना है, इसको बढ़ाना चाह रहे हैं आप, साइज को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, तो आप उसके लिए इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच का फंक्शन है, स्ट्रेच पे क्लिक करें, मैं इसको मूव करता हूँ स्ट्रेच में, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ तक इसको मूव स्ट्रेच करता हूँ, ओके। अब कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसका कह रहा है कॉर्नर को भी सिलेक्ट करें आप इसका, देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रेच हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप यहां से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करने के बाद अपने स्पेस स्पेस करने, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट ऐसा है आपका, ऐसा था, फिर हमने स्ट्रेच कर लिया इस ऑब्जेक्ट को। दोबारा आपको बताता हूँ, मैं टॉप वाली साइड पे इसको स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, इस साइड पे, यहाँ पे स्पेस स्पेस करें तो देखें ये ऊपर वाली साइड पे स्ट्रेच हो गया, देखें ये देख सकते हैं स्ट्रेच हो गया, और फिर आप यहाँ से क्लिक करें और इसको मूव करें यहाँ से यहाँ तक, देखें ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये फंक्शन होता है स्ट्रेच का, देखें। अब इसी तरह आपने दूसरी साइड पे इसको स्ट्रेच करने, दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ इसके इस एरिया को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और स्ट्रेच पीएलसी पे क्लिक करें, कौन से एरिया को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, इस एरिया को, ओके स्पेस स्पेस किया, और अब यहां से आप इसको क्लिक करें हर एक तरफ,
स्पेस स्पेस करने तो देखें ये क्या हो गए, स्ट्रेच हो गया, मूव होके आगे चलेंगे। तो ये होता है जी स्ट्रेच का फंक्शन, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहें तो आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेच के बाद है आपके पास यहाँ पे स्प्लिट। मेन आप बीच में से काटना चाह रहे हैं, इसके दो हिस्से करना चाह रहे हैं पीएलसी के, तो आप दो हिस्से कर सकते हैं। स्प्लिट पीएलसी पे क्लिक करें, और स्प्लिट के लिए मैं इसको सेंटर में से मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, काटना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहां से यहां तक कह रहे, यहां पे स्ट्रेट लाइन, नो स्ट्रेट लाइन, पिक पॉइंट वगैरह को छोड़ें, ओके कर दें बस यहाँ पे। तो ये देखें जरा, तो ये यहां से क्या हो गया, दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सही है ऊपर वाले इसका और एक हिस्से इसका, ये पीएलसी एंड पीएलसी। तो आप यहां से दो हिस्सों में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने काफी कुछ सीखा, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देन चले नेक्स्ट लेसन में कुछ और काम करेंगे, वो इसी के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे, और देखेंगे कि टूल को आप मूव कैसे करते हैं, और भी जो जो काम है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।